अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। पहलवानों के समर्थन में किसानों की महापंचायत जारी है। इस दौरान मेरठ से महापंचायत में शरीक होने जा रहे किसानों को पुलिस ने नजरबंद कर लिया है। महापंचायत में शरीक होने जा रहे अतुल प्रधान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मेरठ शहर से लेकर देहात तक पुलिस ने किसान यूनियन के नेताओं को हाउस अरेस्ट किया है। मेरठ पुलिस देर रात से ही अलर्ट मोड में थी। यूपी से लेकर दिल्ली जाने वाले तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया था। इस बीच फिर भी सपा नेता अतुल प्रधान और जाट महासंघ के प्रदेश प्रवक्ता रोहित जागीर सहित इनके कुछ किसान साथियों ने पुलिस को चकमा देकर महापंचायत में जाने की कोशिश की, लेकिन मौके पर तैनात पुलिस ने काफी देर तक चली धक्का मुक्की के बाद सभी को नजरबंद कर लिया। सपा नेता अतुल प्रधान को अरेस्ट कर पुलिस लाइन लाया गया है। सुनिए अतुल प्रधान से मिली जानकारी। देखिए, पूरी रात से हाउस अरेस्ट हम लोग कर रखा था। हमने कहा कि हम लोग या तो हमें दिल्ली जाने दीजिए या हम लोग अरेस्ट करिए। तो यहाँ पर पुलिस काफी संख्या में आ रही है और पुलिस लगी, और लगने के बाद में अरेस्ट वहाँ से करके जो हमारे नौजवान साथी हैं, जिला अध्यक्ष महानगर हैं, उनको यहाँ पर पुलिस लाइन लेकर आए हैं। ये तानाशाही का समय है और हम लोग देश के उन वीर सपूतों के लिए जिन्होंने देश का मान सम्मान बढ़ाया, जिन्होंने पदक जीत कर दिए, उनके लिए दिल्ली जाना चाहते थे। आज जंतर मंतर पर पता चला है उन लोगों को भी अरेस्ट कर लिया गया है जो खिलाड़ी हमारे साथी हैं। हम इसकी भर्त्सना करते हैं और हम उनके साथ दिन से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक उनके साथ हैं, और जितना भी हम पे दम लग सकेगा हम उनके लिए लगाएंगे। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है अभी? तो हम लोग खुद ही बैठ कर आए हैं, और चूंकि हमें ही जाना था, कोई स्पेशल प्रोग्राम करके 10-20-50-100 आदमी तो रहते ही हैं जाने के लिए, लेकिन सुबह से हाउस अरेस्ट कर रखा है और हम लोग जब इन्होंने नहीं जाने दिया तो मैंने की झाली से। वहीं सीओ अरविंद चौरसिया ने मामले में यह जानकारी दी। देखिए, कानून व्यवस्था भंग होने की अंदेशा था, जिसके तहत हम लोगों ने जब देखा कि ये बाहर निकल रहे हैं, जबरदस्ती बाहर जाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके तहत इनको प्रिवेंटिव अरेस्ट किया गया है और पुलिस लाइन लिया है। कितने लोग हैं? लगभग 30 लोग हैं, अभी इनकी लिस्ट बन रही है। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी, और हाँ, अपने इस चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।